हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो 100% आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। सब बच्चों, हम सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअली आपका चैप्टर होता क्या है उसको समझते हैं। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका चैप्टर होता क्या है उसको समझते हैं। देखो इधर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है कि देखो एक्चुअली हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन आपका खुद एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। हीमोग्लोबिन में एमजी कॉम्प्लेक्स होता है। इस तरीके से हमारे जो डेली लाइफ में इसका वाइटल रोल है, बहुत ज्यादा रोल होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तो इसीलिए आपको ये वाला चैप्टर थोड़ा पढ़ना पड़ रहा है और थोड़ी केमिस्ट्री बॉन्डिंग है इसमें, ठीक है। देखो जैसे ये चैप्टर अगर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो होगा ही होगा। आई होप कि तुमको आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मीनिंग है कि इसके अंदर कोई ना कोई आपका कौन सा बॉन्ड होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड 100% आपका होगा। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है वो भी आप लोग जानते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टअप लेते हैं हम चैप्टर से कि चैप्टर में एक्चुअली हमको क्या पढ़ना है। देखो हम डायरेक्टली इस कंसेप्ट पे चलते हैं कि दो टाइप के एडिशन कंपाउंड्स होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के एडिशन कंपाउंड्स होते हैं। मैं आपको सिंपल बताता हूं कि एडिशन कंपाउंड्स, वो एडिशन कंपाउंड्स, एडिशन कंपाउंड्स एक्चुअली क्या होता है। एडिशन कंपाउंड्स, एडिशन कंपाउंड्स, अब आपके समझने यहां पर समझने वाली बात है। यहां पर काफी सिंपल और काफी कंसेप्चुअली बात मैं बता देता हूं। अब देखो यहां पर पहला FeOH, FeOH thrice plus FeOH thrice plus KCl, इसको जब मैंने ऐड किया तो यहाँ पर वो बॉईल किया तो यहाँ पर मेरा क्या बनेगा, यहाँ पर मेरा बनेगा K4FeCN6। और सेकंड में जहाँ पर जब मैंने आप लोगों का इम्पोर्टेंट है ध्यान से सुनना, यहाँ पर जब मैंने FeOH thrice को KCN के साथ रिएक्शन कराया तो K4FeCN6 बना, लेकिन जब मैंने यहाँ पर K2SO4, ठीक है, L2SO4 whole thrice plus 24H2O, मतलब 24H2O, 24H2O को जब मैंने मिलाया तो यहाँ पर क्या बन गया K2SO4 L2SO4 इसका नाम हम हो जाएगा आप लोगों का। काफी इजी और काफी सिंपल कांसेप्ट है, हमको ऐसे डील करना है इसको। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वाली बात क्या आती है कि हमको इस क्वेश्चन यहां पर एक्चुअली देखिए, यहां पर अब आपका एडिशन कंपाउंड है। एडिशन कंपाउंड किससे हुआ, एडिशन टू डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलके जो नया कंपाउंड बनेगा, टू डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल की जो एडिशन से मिलके जो नया कंपाउंड बनेगा, दैट इज व्हाट व्हाट एडिशन कंपाउंड। देखो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो रहे, मतलब समझ रहे हो? नहीं तो समझो इधर, व्हेन टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल, व्हेन टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल, मोर देन टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म मॉलिक्यूलर एंड एडिशन कंपाउंड। बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि यहां पर मैंने क्या बात करने जा रहा हूं। अब देखो मॉलिक्यूलर एंड एडिशन कंपाउंड्स, तो ये तो आपका डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या समझ में आया, when two and more than two molecules combine together and form what molecular and addition compounds। आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पर two and more than two compounds add हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों आपके क्या है बच्चों, addition compounds हैं।
लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है. देर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस मॉलिक्यूल एंड दिस मॉलिक्यूल, देर आर लॉट ऑफ डिफरेंस. ठीक है, तो आप ये समझते हैं कि एक्चुअली हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आया कहां से, तो डबल सॉल्ट. अब मैं आप लोगों को बता दूं, तो यहां पर समझना आपको, जहां पर मेरा एडिशन कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है, एडिशन कंपाउंड है. अब एडिशन कंपाउंड हमारा कितने टाइप का बच्चों, एडिशन जो कंपाउंड है हमारा दो टाइप का है. कितने टाइप का है, दो टाइप का एडिशन कंपाउंड हमारा कितने टाइप का है, यहां पर दो टाइप का एडिशन कंपाउंड है. पहला एडिशन कंपाउंड हमारा कौन सा होगा बच्चों, एक इस टाइप का और एक इस टाइप का. अब इस टाइप का ऐसा तो हम डिफाइन नहीं करेंगे, हम कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, ये आपका होगा डबल सॉल्ट, ये आपका कौन सा होगा डबल सॉल्ट, इसको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट टाइप का, और इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन टाइप का. ठीक है, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ठीक है, लेकिन आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया कि सर ये कैसे डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे आप, तो आप समझना कि यहाँ पर भी दो मॉलिक्यूल को ऐड किया तो ये बना, यहाँ पर भी दो मॉलिक्यूल को ऐड किया तो ये बना. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे, ये आपका मॉलिक्यूलर एंड एडिशन कंपाउंड है. बट ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चल रहा है, ये हमारा क्या चल रहा है बच्चों, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चल रहा है. लेकिन अगर मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो मेरे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये भी मेरा मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूलर और एडिशन है, ये भी मेरा मॉलिक्यूलर एडिशन है. तो एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर एडिशन, मॉलिक्यूलर एंड एडिशन कंपाउंड विल बी डिवाइडेड इन टू और टू कैटेगरी. इसको मैंने टू कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक हमारा क्या होगा डबल सॉल्ट. ठीक है, अब डबल सॉल्ट क्या होगा और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा, सबसे भयानक प्रॉपर्टी में इसमें बताऊंगा. तो हम कुछ एग्जांपल लेंगे, उससे हम एनालिसिस करेंगे, देखो जैसे K4 Fe Cl 6. ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा. और एक और हम लेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल, मैं लेता हूँ जैसे Fe SO4 NH4 और twice SO4 6H2O, that is called what, Mohr salt, that is called what, Mohr salt. इसको हम क्या बोलेंगे, Mohr salt बोलेंगे. बात किया है या फिर KCl MgCl2 6H2O, that is called what, carnelite, that is called what, carnelite. ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर K2 SO4, ये सी एग्जांपल है जो कि आपको याद रखना है, ये सीधे एग्जांपल पूछे जा सकते हैं, सीधे एग्जांपल हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. और मैं जो थ्योरी नोट्स दिखाऊं वो डिट्टो आपको याद होने चाहिए. इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, पोटाश एनायन, क्या बोलेंगे इसको, पोटाश एनायन, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, पोटाश एनायन. ठीक है, तो ये तो थे आपके कंपाउंड्स. ठीक है, आई होप सो कि आपको कंपाउंड्स के बारे में समझ में आ रहे होंगे कि किस तरीके के आपके कंपाउंड्स हैं. ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पर एक एक करके थोड़ा सा थ्योरी के बारे में. तो थ्योरी टच हम देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर थ्योरी के बारे में हम देख लेते हैं. आप देखो एक्चुअली आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, और आपका डबल सॉल्ट क्या होता है. देखो एक में यहाँ पर बीच में लाइन खींच के बता दूँ आपको, ताकि आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से. अब देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और यहां पर मैं लिखता हूं डबल सॉल्ट. अब आप लोग एक बार जानते हो कि आयोनिक कंपाउंड्स आर कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, एंड ब्रेक डाउन इनटू इट्स constituents ions. एक लाइन में ध्यान रखो, ionic compounds are completely dissolved in water and break down into its constituents ions. तो अब देखिए जहां पर अब हम इसे एनालिसिस करेंगे, जब मैंने डबल सॉल्ट को किसी एक्वस सॉल्यूशन में डाला, डबल सॉल्ट और हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों को डालते हैं एक्वस सॉल्यूशन में. ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा बच्चों. तो देखो यहां K4 Fe Cl
CN6 को जैसे ही मैंने वाटर में डाला, किसमें डाला? वाटर में, H2O में डाला, किसमें डाला? H2O में डाला। H2O में डालते ही क्या हुआ? ये सबसे पहले अपने आयंस में ब्रेक डाउन हुए। ये यहाँ पर 4K+ आप जानते हो पोटेशियम के ऊपर, पोटेशियम के ऊपर हमेशा प्लस वन होता है, पोटेशियम के ऊपर हमेशा क्या होता है बच्चों? प्लस वन होता है। तो यहाँ पर 4K+ आ गया, ठीक है। आई होप सो फिर आपको आ रहा होगा समझ में, काफी इजी है। देन आफ्टर, अब यहाँ पर कितना पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ पर कितना पॉजिटिव चार्ज है? आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने ब्रेकडाउन पढ़ना सीखा होगा। हाउ मेनी पॉजिटिव चार्ज हियर? 4+1 मतलब कितना हो गया? +4। तो यहाँ जो टूटेगा इसके ऊपर कितना आया? CN4- नहीं आया तो आई होप कि आप लोगों को आगे होगा। नहीं आया तो एक और एग्जांपल हम देख लेंगे, आप लोगों को आगे होगा तो चलो एक और, लेट्स सपोज एक और एग्जांपल हम देख लेंगे ऐसे ही कि आप लोगों को आयंस में ब्रेक डाउन करना भी पता, ये काफी काम आएगा बच्चों फिजिकल में वो वोल्ट ऑफ फैक्टर निकालने में। तो अभी से इसको इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आपका वो पॉइंट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब देखो K3 में इसको पानी में डिसॉल्व किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3K+ आ जाएगा। और यहाँ पर कितना प्लस चार्ज है? 3 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? FeCN6 3-, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। देन आफ्टर अब इन दोनों में एनालिसिस करेंगे। अब देखो एक और एग्जांपल, डबल सॉल्ट को मैं पानी में जाकर के तोड़ता हूँ, ठीक है, पानी में लेकर के तोड़ता हूँ। तो यहाँ पर KCl MgCl2 और यहाँ पर आ जाएगा 6H2। इसको मैंने पानी में लेकर के तोड़ा, रिएक्शन पानी में ले जाके तोड़ा तो रिएक्शन क्या थी बेटा? आयनिक कंपाउंड्स आर कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर एंड ब्रेक डाउन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस। मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन में क्या हो जाएंगे? ब्रेक डाउन मतलब बिखर जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। नहीं आया समझ में? देखो आयनिक कंपाउंड्स आर कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर एंड ब्रेक डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस। अब ये टूट गया, अब यहां पर क्या जाएगा बच्चों? K+ एक ही पोटेशियम है तो K+ लिखूंगा। अब यहाँ पर कितना मैग्नीशियम है? मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज आता है? मैग्नीशियम इज अ अल्कलाइन अर्थ मेटल, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका Mg+2 आएगा। कितना आ जाएगा? Mg+2। अब यहाँ पर Mg+2 आ गया, अब यहाँ पर कितने क्लोरीन आएंगे? यहाँ पर हाउ मेनी क्लोरीन आर हियर? 3 क्लोरीन और 1 क्लोरीन के ऊपर हैलोजन कंपाउंड्स के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1। हैलोजन कंपाउंड्स के ऊपर आपका कितना चार्ज होता है? -1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? 3Cl-। और यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा बच्चों? 6H2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल है। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कितना है? 3-, और पॉजिटिव चार्ज ये वो 1 है और यहाँ पर 2 है, मतलब कंप्लीटली टूट गया। अब यहाँ पर कुछ को एक्वस लेना पड़ेगा क्योंकि पानी में तोड़ा ना, तो ये पानी में डिसॉल्व हो चुका है, तो यहाँ पर भी मुझे एक्वस लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी मुझे एक्वस लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी मुझे एक्वस लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी मुझे एक्वस लिखना पड़ेगा। नहीं आया समझ में तो एक और क्वेश्चन दे देते हैं एग्जाम्पल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लिया K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों? जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पर हमारा क्या होगा। यहाँ पर हमारा काफी इजी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर हमारा होगा बच्चों, यहाँ पर 2K+ आ जाएगा एक्वस, यहाँ पर 2Al+3 आ जाएगा एक्वस, और कितने SO4 है यहाँ पर आपके? 4SO4 2-, और कितने H2O? 24H2O, ठीक है। तो यहाँ पर एनायन कितना हो गया बच्चों? -8। एनायन कितना हो गया बच्चों? यहाँ पर -8। यहाँ पर कैटायन कितना हो गया? +6। और यहाँ पर कितना हो गया बेटा? यहाँ पर +1। तो अब देखो यहाँ पर कितना पॉजिटिव चार्ज है? +2। और यहाँ पर कितना है? +6। और यहाँ टोटल नेगेटिव कितना है? -8। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इक्वल है। मतलब इस तरीके से हम लोग देखेंगे बच्चों, यहाँ पर इसको भी काउंट करेंगे। देखो के ऊपर होता है +1, लेकिन यहाँ पर कितने पोटेशियम है? 2 है, तो दो में बात समझ में आती है। अब देखो अब मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा बच्चों, यहाँ पर मैं अब देखो इससे मैंने क्या है ना, क्या एनालिसिस किया, इससे मैंने क्या एनालिसिस किया वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है।
अब देखो इससे मैंने एनालिसिस किया कि इससे मैंने एनालिसिस किया कि जैसे ही मैं किसी क्लोरीनेशन कंपाउंड को पानी के अंदर रखता हूं तो वो अपने आयंस में ब्रेक डाउन होता है, मतलब कौन सा बॉन्ड आपका टूटता है, आपका केवल आयनिक बॉन्ड आपके पानी में ब्रेक डाउन होता है, तो वाटर में आपका ये बाहर बॉन्ड ऊपर टूटे, क्या अंदर वाला FACN टूटा? नहीं, अंदर वाला FACN तो आपका नहीं टूटा, आपका ये दोनों पार्ट टूटे। जब आपको ये दोनों पार्ट टूटे, अंदर वाला FACN नहीं टूटा, तो अंदर वाले FACN के अंदर आयनिक बॉन्ड नहीं होगा, अंदर वाले FACN के बाहर पास आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। कहां आयनिक बॉन्ड होंगे? इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड होंगे, इसीलिए ये आपको वाटर में ब्रेक डाउन करेगा। लेकिन यहां पर देखो कंप्लीटली सारे के सारे टूट गए, तो मतलब सभी में आपका आयनिक बॉन्ड नहीं है। आ गए, चलो तो फिर आगे देखते हैं। तो हम क्या बोलेंगे बेटा यहां पर, इट कैन नॉट डिसोसिएटेड कंप्लीटली इनटू आयंस। ठीक है, कंप्लीटली इनटू आयंस, ये अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएटेड नहीं होते, ये अपने आयंस में आपको कंप्लीटली डिसोसिएटेड नहीं होते। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, इट कंटेन आयोनिक बॉन्ड एज वेल एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके पास आपका आयोनिक बॉन्ड भी होगा और आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होगा बच्चों? इंटरनल पार्ट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होगा और एक्सटर्नल पार्ट में आपका आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। वही बॉन्ड तो आपका टूटा है पानी में, अगर ये भी टूट जाता तो इसमें भी आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता। मतलब आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी होती है, it can dissociate into ions completely। ये अपने ions में completely आपको क्या हो जाएंगे बच्चों? Completely dissociated हो जाएंगे। अभी अपने ions में आपको completely dissociated हो गए, तो इसका मतलब आप समझते हैं इसमें सब जगह कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? Only ionic bonds are present in this compound. Only ionic bonds are present in this compound. इस कंपाउंड में ionic bond अभी प्रेजेंट है। देखो SO4 के अंदर coordinate bond भी प्रेजेंट हो सकता है, coordination bond भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन जो ionic bonds are present in this compounds, in this constituents ions मतलब अपने constituents ions में ionic compound ही आपके present है, मतलब इसके constituents ion के बीच आपके ionic compound present है। लेकिन आपके घर में ऐसे आए कि मैंने K plus तोड़ दिया, Fe plus 2 भी तोड़ दूं, तो ये भी आपका गलत है। Fe plus 2 में नहीं टूटेगा, मतलब नहीं टूटेगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा, इस बात का अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, देन आफ्टर आपने बात करता हूँ यहाँ पर देन आफ्टर आपने बात करता हूँ आगे अब देखो करेंगे कि जब यह आपका टूटेगा, सुनना ध्यान से, जब यह आपका टूटेगा तो यह अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा, यह अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर जाएगा। मतलब जो FeCl4 का जो आइडेंटिटी
आइडेंटिटी है, एफिशिएंसी का जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है वो ऐसा का वैसा ही आपका शो करेगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, इट रिटेन, इट कैन रिटेन, इट कैन रिटेन इट्स आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, अपने सॉल्यूशन में ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करेगा। लेकिन यहां पर क्या बोलेंगे, इट कैन नॉट, इट कैन रिटेन, इट कैन रिटेन इट्स इट्स आइडेंटिटी, इट्स आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, मतलब इट कैन नॉट रिटेन, इट कैन नॉट रिटेन, ये आपका रिटेन नहीं करेगा। इट कैन नॉट रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, ये अपने सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा, मतलब अपनी आइडेंटिटी बता देगा कि मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, लेकिन ये आइडेंटिटी को रिटेन कर जाएगा, मतलब जो इसके यहां आइडेंटिटी है वो यही रहेगी, लेकिन इसकी जो यहां आइडेंटिटी होगी वो यहां लूज कर देगा, ये अपनी इस आइडेंटिटी को छोड़ देगा, ये बन जाएगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई, ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करता है, कैसे करता है देखो, जैसे एफिशिएंसी के बारे में मैंने बोला रिटेन करता है। अब अगर मैंने सॉल्यूशन फिर से डाला ये फिर से आपका रेड कलर का आ गया, तो इसका मतलब है इसने अपनी आइडेंटिटी को रिटेन किया। लेकिन यहाँ पर ये आपका सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में आ, इसका हाइड्रेशन हो गया, कलर आ, कलर इसका अलग आ जाएगा, बहुत कुछ प्रॉपर्टी अलग आपकी हो जाएगी, तो इसका मतलब इसने अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर दिया, रिटेन कर दिया, अपनी आइडेंटिटी को छोड़ दिया। इट कैन नॉट रिटेन इट्स आइडेंटिटी, मतलब अपनी आइडेंटिटी को इसने छोड़ दिया, मतलब इतना सा बात है इसका, थोड़ा सा अच्छे से समझिए इस चीज को, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर इस टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट, इस टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और आपको डबल सॉल्ट के अंदर डिफरेंस आपको पता पड़ गया होगा, ठीक है। तो आपको पता पड़ा होगा कि ये आपके एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएटेड नहीं होता है, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, ठीक है। और दूसरा क्या पॉइंट था बच्चों, दूसरा क्या पॉइंट था आप लोगों को पता होगा, सेकंड पॉइंट इज दैट कि इसके अंदर आयनिक बॉन्ड के साथ साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, सारे बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसके इसमें आयंस के बीच प्योर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसमें एक कंपाउंड होगा जो कि जिनके अंदर आपके आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, ये कंप्लीटली टूटा नहीं है ना, तो इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके टूटता नहीं है, यहाँ पर आयनों के बीच आयंस के बीच कंप्लीटली आपका आयनिक बॉन्ड होगा, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, इसके बाद अब हम आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर लेगा, ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन नहीं कर पाएगा, इस कंपनी में आने देगा, ठीक है। अब बात आती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअली क्या होता है, तो समझते हैं। सबसे पहले हमको इस चैप्टर में केवल इसके बारे में पढ़ना है, केवल इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में हमको नहीं, इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना, ठीक है, इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना, हमको केवल इसके बारे में पढ़ना है। एक और एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पर इसका नाम ध्यान रखना, अक्सर नाम पूछ लिया गया एग्जाम में, कार्बोनिलाइट, इसको बोलते हैं पोटाश एलम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पोटाश एलम, और बस, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर एक एक करके चालू करते हैं हम लोग, कि ये तो था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है। अब टर्म्स विच इज यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन कौन से टर्म्स आपके यूज किए जाएंगे, वो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एक एग्जांपल से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसी में मैं बनाऊंगा, ठीक है, उसी में मैं बनाऊंगा, फिर हम एक एक करके हम डिफाइन कर लेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। तो ये मैंने बनाया आपका K4 Fe Cl 6, ठीक है, K4 Fe Cl 6। अब बात समझने वाली बात ये है, यहाँ पर K4 Fe Cl 6 में K4 एक्चुअली में है क्या, K4 आपका काउंटर आयन है, K4 आपका क्या है, काउंटर आयन। तो क्या बोलेंगे,
क्या बोलेंगे ठीक है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे थोड़ा सोचेंगे। ये आपका सेंट्रल मेटल आयन मतलब सीएमआई, सीएमआई को क्या बोलेंगे सेंट्रल मेटल आयन ठीक है। ये आपका क्या होगा, इसको बोलेंगे हम लिगेंड, इसको बोलेंगे हम क्या लिगेंड ठीक है लिगेंड। आप देखो एक्चुअली हम मैं आपको जनरल डेफिनेशन यही दिखाता हूं, जनरल डेफिनेशन यही बताता हूं। सेंट्रल मेटल आयन ऑलवेज बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट, ऑलवेज बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट। ये एक्चुअली आपका कौन से ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है, डी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट मतलब पीरियोडिक टेबल में जो आपका बीच वाला जो पोर्शन होगा, बीच वाला जो पोर्शन होगा उससे बिलोंग करेगा। जनरली आपको किसका किससे बिलोंग करता है, डी ब्लॉक एलिमेंट से। बात समझ में आई, तो ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है। सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, एक्चुअली वो आयन होता है सेंट्रल मेटल आयन डी ब्लॉक एलिमेंट है, और इसका एक और हो सकते हैं विच एक्सेप्ट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड। मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है मतलब जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें सेंट्रल मेटल आयन डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। और वो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, किस अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है, नहीं आया समझ में आप लोगों को, आई होप कोशिश करो। व्हिच एक्सेप्ट द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगेंड, वो लिगेंड से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है ठीक है। व्हिच एक्सेप्ट द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लिगेंड ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है, यहां पर आप क्या जब ये एक्सेप्ट करता है तो लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाले को हम क्या बोलते हैं, लुईस एक्सेप्ट ठीक है। तो ये जनरली हम बोल सकते हैं जनरली कॉल्ड एज लुईस एक्सेप्ट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, लुईस एक्सेप्ट। इसको जनरली हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, लुईस एक्सेप्ट। ये तो हो गया हमारे सीएमआई का डेफिनेशन, किसका हो गया सीएमआई। अब लीगल क्या होगा, लिगेंड के बारे में बता देता हूं। विच डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स टू सेंट्रल मेटल आयन मतलब सीएमआई। विच डोनेट द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल आयन मतलब Fe को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मतलब सीएमआई ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद जब ये लोन पेयर डोनेट करता है, अब ध्यान रखना आप लोगों को पढ़ाया होगा लुईस एसिड थ्योरी में लोन पर डोनेट करने वाला बेस और लोन पर एक्सेप्ट करने वाला एसिड। नहीं आया समझ में, इसको पढ़ सकते हो। लोन पेयर को डोनेट करने वाला बेस और लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला एसिड ठीक है। लोन पेयर डोनेट करने वाला बेस होगा ठीक है। अगर ये आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इसका मतलब क्या, इट कैन बिहेव एज बेस। ये आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। ये आपका किसकी तरह बिहेव कर जाएगा, बेस की तरह। आई होप सो कि आपको ये लाइन अप समझ में आ गई होगी। देन आफ्टर काउंटर आयन क्या होता है, काउंटर आयन आपका क्या होता है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक्सटर्नली चार्ज बैलेंस करने का काम, किसका काम करेगा बच्चों, चार्ज बैलेंस करने का ठीक है। आउटर मोस्ट एरिया में प्रेजेंट फोर्स का, तो काउंटर आयन It is present at outer part of coordination compound ठीक है। coordination compound ये आपका कहाँ present होगा, coordination compound का outer part में present होगा। अब जब ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आउटर पार्ट में प्रेजेंट होगा, तो आउटर पार्ट में प्रेजेंट होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ये ठीक है। और ये किससे अटैच होगा, इट विल अटैच विद आयोनिक बॉन्ड से आपका अटैच होगा ठीक है।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये काउंटर पार्टी नहीं है। अभी आपका पूरा कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है, अभी आपका पूरा कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है। सिक्स क्या है, सिक्स क्या है उसका मीनिंग भी समझ लें। यहां पर सिक्स क्या है, देखो यहां पर सिक्स क्या है, अब देखो यहां पर एक और एग्जांपल बताता हूं, इसी की तरह मैं बनाता हूं फिर से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहां पर k4 Fe Cn 6, ठीक है k4 Fe Cn 6, आप समझना 6 क्या है यहां पर, 6 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 6। ये जो यहां पर डिजिट दिए गए, ये इट कैन बी अ इंटीजर नंबर, इट कैन बी अ इंटीजर नंबर, तो यहां पर कुछ इंटीजर नंबर अगर दिया होगा, कौन सा नंबर, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर यहां पर अगर कोई इंटीजर नंबर दिया गया होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इस इंटीजर नंबर को बोलेंगे हम को, हां इस इंटीजर नंबर को हम क्या क्या फाइंड आउट करने में काम लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। इस इंटीजर नंबर से हम यहां पर लिखा बाय द हेल्प ऑफ, बाय द हेल्प ऑफ, हेल्प ऑफ दिस इंटीजर नंबर, this integer number we can find coordination number। अब सबसे बड़ा क्या है, डेफिनेशन तुम्हें पता पड़ जाएगा एक्चुअली में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन कोऑर्डिनेशन का फॉर्म। सो सिंपली अब देखो मैं बोलूंगा आप लोगों को यहां पर एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या होता है उसको समझना। कोऑर्डिनेशन नंबर अब देखो There are a lot of type of ligand. वहाँ पर बहुत सारे type के ligand हैं। यहाँ पर कभी unidentate ligand है, bidentate है, tridentate है, polydentate है। मतलब आप इसका मतलब समझोगे। ligand के कई type हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ, ligand के type में मैं बता देता हूँ, unidentate, bidentate। अभी थोड़ा समझ लो। ट्राइडेंटेड लिगेंड, अभी ध्यान रखो फिर बाद में आपको बताऊंगा, ट्राइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, ठीक है, ये साइड में नोट डाल के रख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए, बाद में जब मैं पढ़ाऊं तो आपको आइडेंटिफाई कर सकते। अब देखो यूनिडेंटेड टाइप का लिगेंड है, यूनिडेंटेड टाइप का लिगेंड है वो अपना क्या देगा, एक लोन पेयर देगा। बाइडेंटेड टाइप का लिगेंड, बाय आपका नाम क्या है तो क्या देगा, दो लिगेंड देगा। ट्राइडेंटेड टाइप का लिगेंड क्या देगा, तीन लिगेंड देगा। टेट्राडेंटेड टाइप का लिगेंड क्या देगा, चार लिगेंड देगा, ठीक है, चार लिगेंड देगा। तो यहाँ पर यूनिडेंटेड लिगेंड आपका कितना है, एक यूनिडेंटेड लिगेंड आपका एक लोन पेयर देगा, यूनिडेंटेड लिगेंड आपका एक लोन पेयर देगा, डाइडेंटेड लिगेंड आपका दो लोन पेयर देगा, ट्राइडेंटेड आपका तीन देगा, टेट्राडेंटेड आपका चार देगा, ठीक है, ये चार टाइप के लिगेंड। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे समझते हैं। देखो यहाँ पर अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का तरीका ये है कि सिंपली कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का तरीका ये है कि अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाई एंड इट्स डेंसिटी। मतलब ये बात समझ लीजिए आप कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का तरीका क्या है कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितने आपके कोऑर्डिनेशन, कितने आपके नंबर ऑफ लिगेंड हैं। तो यहां पर इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपके कितने आपके कोऑर्डिनेशन, कितने आपके लिगेंड हैं बच्चों, 6 लिगेंड हैं। यहां पर CN एक्चुअली मैं आपको बता देता हूं, यहां पर यूनिडेंटेड होता है तो यूनिडेंटेड होगा तो कितना लोन पेयर देगा, एक देगा, तो ठीक है, या फिर इसको बोलेंगे नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर विच इज डोनेटेड बाय सिंगल लिगेंड। मतलब एक अकेला लिगेंड आपके कितने लोन पेयर देगा, ठीक है, तो ये हिसाब भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, समझ में आया। तो यहां पर ध्यान रखना कि अगर मैं K4 Fe7 K4 Fe Cn6 की बात करूं तो K4 Fe
यहाँ पर आपके छह छह नंबर ऑफ लिगेंड है, छह नंबर ऑफ लिगेंड है, कितने हैं छह, आई होप कि आगे होगा छह नंबर ऑफ लिगेंड है और ये यूनिट एंडेड है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये आपका यूनिट एंडेड है, तो कितना हो गया 6 × 1 6। अगर मैं एक और लेट सपोज एक एग्जांपल मैं लेता हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए, ये साइड में नोट्स में लिख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। लेट सपोज कि एक एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, वैसे मैं और बताऊंगा फिर। लेट सपोज एक एग्जांपल मैंने लिया कि फोर यहाँ पर ले लिया मैंने FeCO4 FeCO5, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, CO इज अ यूनिट एंडेड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं बच्चों, 5 के लिए और CO आपका एक ही नोड पे डोनेट करेगा ना, यूनिट एंडेड है तो यहाँ पर कितना आएगा 5। बाइडेंटेड के केस में हमको वहां क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2। बाइडेंटेड के केस में हमको वहां क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, 2। तो कलर इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप लोगों को और कल से मैं कंटिन्यू डीपीपी भेजूंगा आप लोगों को, वर्कशीट भेजूंगा मैं मेरे आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आ गया, चलो ठीक है, इस लाइन के बारे में पता होना पड़ेगा। अब एक्चुअली में कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका होता है, ठीक है, ये एंटिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड व्हिच कंटेन सीएमआई एंड लिगेंड, व्हिच कंटेन सीएमआई एंड लिगेंड, मतलब एंटिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक ऐसा एंटिटी जिसके अंदर सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कॉम्प्लेक्स पार्ट। ठीक है, तो यहां पर बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट, कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट आपका क्या होगा बच्चों, समझ लेंगे कॉम्प्लेक्स पार्ट आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा आपका वो होगा जिसके अंदर एन एंटिटी व्हिच इज कंटेन सीएमआई एज वेल एज लिगेंड, ठीक है, एंटिटी एंटिटी व्हिच कंटेन सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन एज वेल एज लिगेंड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कॉम्प्लेक्स पार्ट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कॉम्प्लेक्स पार्ट। एंड वो आयोनिक फॉर्म ऑफ दिस पार्ट वो इट्स कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे अगर मैं इसका इसको तोड़ू तो इसको तोड़ने पर क्या होगा, FeCl6-4, तो ये क्या हुआ, आप आयोनिक इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसका आयोनिक फॉर्म हुआ, तो आयोनिक फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स पार्ट इज कॉल्ड आयोनिक कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। लिख देता हूं यहां पर मैं रिएक्शन के थ्रू आपको बता दूं, ये चीज समझ में आ गया। अब आपको पता पड़ गया कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है, इसके टर्म्स को आप लोगों ने पहचान लिया है, इसके टर्म्स को आप लोगों ने पहचान लिया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी मैं कुछ कंपाउंड दिखाता हूं उससे रिलेटेड हम एग्जांपल पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको और बेटर डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों को करना है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप लोगों को करना है, आप लोगों को बताना है, ठीक है। क्वेश्चन फिल द फॉलोइंग टेबल, आपको फिल करना है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं यहां पर फर्स्ट Fe H2O5 NO, ठीक है, Fe H2O5 NO, यहां पर आ जाएगा आपका आ जाएगा SO4, ठीक है, ये हो गया एक आपका, ठीक है। सेकंड आप सब लिया मैंने यहाँ पर NiCO4, ठीक है। थर्ड में आपको दे रहा हूँ यहाँ पर एक एक करके अलग अलग, थर्ड मैंने आपको दिया यहाँ पर CrNH3
4H2O twice, next Cl twice, Cl twice, Cl. ठीक है, फोर्थ में यहां पर लिख रहा हूं, फोर्थ में यहां पर आपको लिख देता हूं K3FeCn6. फिफ्थ में यहां पर लिख देता हूं आपको क्वेश्चन, फिफ्थ में आपको उनके लिए लिख देता हूं यहां पर, फिफ्थ आप लोग लिख लीजिए यहां पर Fe4 Fe4 Fe SCN twice. ठीक है, अब आपको इसमें बताना है आपको कि इसमें आपको लिगेंड को पहचानना है, और इसको समझना है, एक आपको पहचानना है लिगेंड को, एक आपको पहचानना है काउंटर आयन, एक आपको पहचानना है काउंटर आयन, ठीक है, काउंटर आयन, ठीक है, एक आपको पहचानना है यहाँ पर एक आपको पहचानना है काउंटर आयन, काउंटर आयन के बाद आपको पहचानना है यहाँ पर काउंटर आयन के बाद आपको पहचानना है सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, आप सेंट्रल मेटल आयन के बाद आपको क्या पहचानना है उसमें यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन की, बस इतना आपको पहचानना है, सबसे पहचानना है, पहचानना आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन से आपको करना है, ठीक है। अब देखो लिगेंड क्या होगा, यहाँ पर देख लेते हैं पहले वाले में लिगेंड क्या होगा उसको समझ लेते हैं, पहले वाले में लिगेंड आपका कौन 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 से होंगे, H2O भी एक टाइप का लिगेंड होगा और NO भी होगा, NO भी एक टाइप का लिगेंड होगा, NO से तो प्लस में चार्ज होता है, इसके बारे में हम आपको पता लगाएंगे बाद में, ठीक है। अब काउंटर आयन कौन होगा, Fe, काउंटर आयन कौन सा होगा, Fe होगा, आयरन का होगा, आयरन। अब यहाँ पर तो आप लोगों को चार्ज नहीं होता, तो आप लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा है, यहाँ पर SO4 2- तो यहाँ पर प्लस 2 होगा, और यहाँ पर लेजर जाएगा तो यहाँ पर Fe प्लस 1 हो जाएगा, ये अभी थोड़ा बाद में हम बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर काउंटर आयन का Fe का सॉरी काउंटर आयन आपका होगा SO4 2-, काउंटर आयन का SO4 2- बाहर आएगा और सेंट्रल मेटल आयन का Fe प्लस 1। अब देखो Fe आपका जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, जनरली आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब देखो यहाँ पर आपका लिगेंड कौन सा होगा, CO होगा, इसको बोलते हैं कार्बोनाइट, इसको क्या बोलते हैं कार्बोनाइट। अब यहाँ पर काउंटर आयन नहीं है, एनायन आपका सेंट्रल मेटल आयन होगा, ठीक है, जहां पर देख लेते हैं यहाँ पर आपका समझ लेते क्या क्या होगा, यहाँ पर आपका है जो देखो यहाँ पर आपका लिगेंड होगा NH3 और Cl, काउंटर आयन होगा यहाँ पर Cl- और यहाँ पर होगा Cr-, इस तरीके से आपका होगा सेंट्रल मेटल आयन। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, कल क्वेश्चन कराऊंगा मैं, एक क्वेश्चन इस टाइप का, उसमें एक्स्ट्रा जाना, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों Cl- लिगेंड, काउंटर आयन हो जाएगा यहाँ पर K+, और आपका यहाँ पर सेंट्रल मिडल आयन हो जाएगा Fe+3। ये चार्ज के बारे में आपको पहचान दो, चार्ज के बारे में आपको कुछ टाइम बाद पहचान दो, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो लिगेंड हो जाएगा आपका HCl-, ठीक है, काउंटर आयन आपको कुछ नहीं होगा, ये आपका कितना हो जाएगा बात किया है। तो इस तरीके से आपका चलेगा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन, आप लोगों को एक बार खुद समझना है, देखो यहाँ पर जैसा जैसा मैंने बताया वैसा वैसा करते जाओ। अभी फिलहाल मैं आपको डेंटिसिटी, इन सब में जितने भी कंपाउंड है सबकी डेंटिसिटी पढ़ रही, इन सब में जितने भी लिगेंड है सभी लिगेंड की डेंटिसिटी कितनी है, 1 है, सभी लिगेंड की डेंटिसिटी 1 है। तो फिलहाल अभी मैं आप लोगों को मैंने बता दिया है कि ऑल आर यूनिडेंटेट, और यहाँ मैंने भी बता देता हूँ H2O भी, H2O, NO, CO, ये भी बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आप लोग इसके हिसाब से क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है।
ना, ये मोलार क्या है बेटा, ये आपका यूनिट एंटेड, ठीक है, ये आपका यूनिट एंटेड। अब जब ये यूनिट एंटेड है बच्चों, तो आप लोग इसके साथ साथ क्या, आपको बता देता हूँ वो भी निकालना सीख लीजिए, क्या कोऑर्डिनेशन आगे, कोऑर्डिनेशन आप कैसे निकालेंगे, यूनिट एंटेड है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक और गोला बना लेते हैं, एक और गोला बना लेते हैं, आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालना सीख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। फिर कल से तो हम बहुत अच्छे से पेपर के इंटरेस्टिंग पॉइंट पर चलेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बच्चों, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, नंबर ऑफ लिगेंड एंड इट्स नंबर ऑफ लिगेंड एंड इट्स डोनेशन ऑफ लॉन्ग पेयर, वो कितना लॉन्ग पेयर प्रोडक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर H2, यहाँ पर दो टाइप के लिगेंड हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिगेंड, H2O एंड NO, H2O एंड NO, देयर आर टू टाइप ऑफ लिगेंड H2O एंड NO। तो H2O के लिए हम क्या करेंगे, H2O के लिए 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, टोटल कितना हो गया बच्चों यहाँ पर 6, टोटल कितना हो गया बच्चों यहाँ पर 6। अब यहाँ पर कार्बोनिल के लिए कार्बोनिल आपका होगा यूनिटेड 4 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 4, ठीक है। अब यहाँ पर दो टाइप के, तो दो टाइप के तो दोनों को अलग अलग करके ऐड करना है, अब देखो पहले से 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 6, इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या होगा बच्चों देखो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों यहाँ पर 6, ठीक है। यहाँ पर HCl में ले लेते हैं, यहाँ पर HCl में कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू कितना हो गया 2। तो दीज आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो आप एक दो बार इस चीजों को रिपीट करिए, और अभी 12th में मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, 12th में कि 12th में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम अपने रिवीजन को देना चाहिए, अपने रिवीजन को देना ही पड़ेगा। अगर मैं आपको बताता हूँ, आप लोग एक तरीके से देखो साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ना मत भूलना, आज जाते ही जहां तक आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ लेना है, एक एक लाइन पढ़ लेना है। समझ में नहीं आए मुझे 10 बार बोलो, मुझे बार बार फोन करो, ठीक है। एक्चुअली व्हाट्सएप पे कम आप लोग मुझे डायरेक्टली कॉल करो, डायरेक्टली कॉल करने से क्या होता है कि मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ, ठीक है ना। और हमेशा आज से आपका शेड्यूल ऐसा रहेगा, जो मैंने पढ़ाया है वो मैं आपके चार्ट में क्वेश्चन फॉर्म करके भेज दूंगा, मैं आपका हैंड रिटन डीपीपी दे दूंगा, वो आपको 1, 2, 3, 4 टाइम्स आपको लगाते रहना है। और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन को करना नहीं छोड़ना, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन को करना नहीं छोड़ना है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा अगर आप लोग अभी मेहनत करेंगे, देखो 11th में अगर आपने मेहनत नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 12th, हमारे पास अभी 9 मंथ है, कितने 9 मंथ, अगर आपने 9 मंथ अभी पर्टिकुलरली फोकस करके स्टडी को अच्छे से कर लिया, तो मैं आपको गारंटी बोलता हूँ कि आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स हैं, क्योंकि आप लोगों के जेईई मेंस में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन फिक्स है। अब एक क्वेश्चन फिक्स है मैंने आपको बोल दिया, और चैप्टर है बहुत इजी, और चैप्टर है ये बहुत इजी। जब आपका एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, तो हम एक क्वेश्चन को अच्छे से फोकस कर सकते हैं ना। तो एक क्वेश्चन के लिए हमको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, मतलब एक ऐसे तरीके से पढ़ना है कि ऐसे मत में सोचना है कि सर ऑफलाइन में उतना बेटर नहीं पढ़ा पाते जितना ऑनलाइन में पढ़ा पाते, ठीक है। और आप लोग मुझे तंग करो, पूछो 5 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोगों को बस समझना है, और कोशिश करो कि वीडियो लेक्चर देखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप लोग चीजों को पहले समझो, लिखो डायरेक्टली मत, साथ साथ ना लिखो। आप लोग अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने साथ साथ लिखते भी जा रहे हो, वो आपका गलत तरीका है। आप लोगों को सबसे पहले पूरा बोर्ड आराम से भर जाने दो, समझ समझ के देख लो, फिर आप उसको बिना देखे समझ समझ के लिखने की कोशिश करो। अगर आपने इस तरीके से बिना देखे समझ समझ के लिखने की कोशिश की, तो 100% आपको
मार्क्स पक्के मिलेंगे, 100% आपको इस चैप्टर से मार्क्स पक्के मिलेंगे। तो आपको इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस को डील करना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को समझो, मतलब आप लोग अगर इस चैप्टर को पढ़ो और कोई भी डाउट आए और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो लिखा गया वही सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ये बच्चा ठीक है। बार बार रीड मारो, मैं डीपीपी दूंगा, उस डीपीपी को इतने अच्छे तरीके से करो आप लोगों से अच्छे तरीके से कोई कर नहीं सकता। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर काफी अच्छे से काफी सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।